नाउ बिना किसी देरी के हम अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे वाज मनीष स्टार्टेड डूइंग वॉक टू स्टे फिट। मनीष ने रोज़ चलना स्टार्ट करा फिट रहने के लिए। ही स्टार्टेड विथ 30 मिनट्स ऑफ वॉक इन द मॉर्निंग ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन वो 30 मिनट चला एंड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग द वॉक टाइम एवरी डे बाय 10 मिनट्स। और हर दिन 10 मिनट बढ़ाने लगा आफ्टर दैट। यानी कि पहले दिन 30 मिनट, अगले दिन 40, अगले दिन 50 एंड सो ऑन। मनीष कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ हिज वॉक टाइम ऑल्सो। वह अपने वॉक टाइम का रिकॉर्ड भी रखता था। ही वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ ही रीच्ड 1 आवर 30 मिनट्स। और वो बहुत खुश हुआ जब वो 1 घंटे 30 मिनट तक भी पहुँच गया एक दिन। एंड ट्राइज टू मेंटेन दिस टाइम। और अब इस टाइम को वो मेंटेन रखना चाहता था। सो ये पहले हमने अपने क्वेश्चन को समझा। अब नाउ द फर्स्ट पार्ट, इट सेज आफ्टर हाउ मैनी डेज मनीष स्टार्ट वॉकिंग फॉर 1 आवर। कितने दिन बाद मनीष 1 घंटे वॉक करने लग गया था। सो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब मनीष ने चलना स्टार्ट करा तो वो पहले दिन चला 30 मिनट, अगले दिन 40, अगले दिन 50 एंड ऑन द फोर्थ डे इट बिकम 60 मिनट। 60 मिनट इज 1 आवर। सो ऑन द फोर्थ डे ही स्टार्टेड वॉकिंग फॉर 1 आवर। तो कितने दिन बाद ये पूछा है, कितने दिन बाद मनीष ने 1 घंटे चलना स्टार्ट कर दिया था। तो 3 दिन के बाद, यानी कि 3 इसका राइट आंसर होगा। कई बच्चे इसको 4 भी कर देंगे बिकॉज ऑन द फोर्थ डे इट कन्वर्ट्स इट इन टू 1 आवर। बट ये पूछा है कि कितने दिन बाद मनीष ने 1 घंटे चलना स्टार्ट कर दिया था। तो 3 दिन बाद, चौथे दिन उसने स्टार्ट कर दिया था 1 घंटे चलना। सो नाउ लेट्स मूव टू आर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मच टाइम ही वर्कड ऑन द फिफ्थ डे। 4 ऑप्शन आर गिवन हियर। सो आर ए पी इज 30, 40 एंड सो ऑन। सो द फर्स्ट टर्म ऑफ आर ए पी इज दिस 30, दैट इज कॉल्ड ए एंड डी आर इज a2 - a1, दैट इज 40 - 30, इट बिकम्स 10। सो हाउ मच टाइम ही वर्कड ऑन फिफ्थ डे ही आस्क्ड। सो फॉर फिफ्थ डे वी राइट इट एज a5, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी। सो इट कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। एन की जगह हमने यहाँ 5 रख दिया, तो यहाँ भी क्या रख देंगे, 5 - 1 डी। सो ए की जगह हम रख देंगे 30 प्लस 5 - 1 इज 4 एंड डी इज 10। सो 30 + 4 = 40, 30 + 40 बिकम 70 मिनट्स। सो 70 मिनट्स वो चलेगा पाँचवें दिन। सो 70 मिनट्स इज आर करेक्ट आंसर, दैट इज बी। सो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द टोटल टाइम स्पेंड बाई हिम टिल 6th डे इज। तो 6th डे तक उसने टोटल कितना टाइम स्पेंड करा, यानी कि सम पूछ रहा है 6th डे तक, यानी कि 6th टर्म तक का सम पूछ रहा है इस एपी का। सो पहले हम 6th डे निकालेंगे, 6th डे कितना चला वो। तो हमारे को एपी पता है, तो हम सीधा 6 टर्म्स तक, यानी कि 6th डे तक का सम फाइंड कर सकते हैं। तो एस एन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a + n - 1 * d। सो वी फाइंड द एस 6 बिकॉज अप टू 6th डे, 6th टर्म तक हमारे पास सम पूछा गया है। तो एन की जगह हमने यहाँ 6 रखा, यहाँ भी क्या रखेंगे, 6 2 * a। ए इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज 30 + n - 1 अगेन 6 - 1 * d, d दैट इज 40 - 30 इज 10। सो लेट अस कैलकुलेट इट, 2 3 = 6 एंड आफ्टर दैट 2 30, दैट इज 60 + 6 - 1 इज 5 * 10, दैट इज 360 + 5 = 50, 60 + 50 इज 110 मल्टीप्लाइड विथ 3, सो इट बिकम्स 330 मिनट्स अप टू 6th डे ही विल स्पेंड। बट
बट जो ऑप्शन में आपको मिनट में नहीं दिखेगा वो आवर्स में है, सो हमें इसे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, सो डिवाइड दिस बाय 60, सो 330 को जब मैं 60 से डिवाइड करूँगा सो कुछ इस तरीके से होगा, 65 300 30 मिनट्स इज द रिमाइंडर, सो 5 आवर 30 मिनट्स ही टोटली स्पेंड अप टू 6th डे, सो द करेक्ट आंसर इज 5.5 आवर्स डी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द फॉर्मूला यूज टू डिटरमाइन टोटल टाइम डिवोटेड फॉर वॉक टिल 6th डे, जो अभी हमने निकाला था कि 6th डे तक उन्हें टोटल टाइम कितना डिवोट करा, कितना स्पेंड करा वॉकिंग में। तो अभी हमने SN का फॉर्मूला लगाया था, वही फॉर्मूला पूछा है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा अपने 6th डे तक जो टाइम डिवोट करा उसके लिए। सो SN का फॉर्मूला हमने यूज़ करा था, दैट इज़ एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो आर नेट नेक्स्ट पार्ट इज, इट इज़ अ गुड गुड पार्ट इन विच इज इज फॉर हाउ मैनी डेज मनीष इंक्रीज हिज वॉक टाइम, कितने दिन तक उसने अपना वॉक टाइम इंक्रीज करा, 10 10 मिनट्स कितने दिन तक। सो ही स्टार्टेड विथ 30 मिनट, 40, देन 50, टिल 1 आवर 30 मिनट्स ही गोज ऑन इंक्रीजिंग। 1 आवर 30 मिनट्स इज 60 मिनट्स प्लस 30, दैट इज 90 मिनट्स तक, जब तक वो नहीं पहुंच गया उसने इंक्रीज करता रहा रोज 10 मिनट। सो एक्चुअली हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 90 मिनट्स तक वो कब पहुंचा, किस दिन पहुंचा। सो AN हमारा यहाँ पे हो जाएगा 90, सो AN इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड वी हैव टू फाइंड दिस एन, सो AN इज 90, ए इज 30 प्लस एन माइनस वन वी हैव टू फाइंड दिस एन, एंड डी इज 40 माइनस 30, दैट इज 10, सो 90 इक्वल्स टू 30 प्लस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10N माइनस 10, 90 इक्वल्स टू 30 माइनस 10 इज 20 प्लस 10N, 20 को हम इधर ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 90 माइनस 20 इक्वल्स टू 10N, इट बिकम 70 इक्वल्स टू 10N, एंड आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 10 द एन बिकम्स 7, सो अप टू 7th डे ही गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज वॉक टाइम। तो थैंक यू गाइज, अगर हमारी वीडियो से आपको भी कुछ मदद मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट के आंसर्स भी आपको रोज़ाना मिलते रहें। थैंक यू।